मेरठ के किठोर विधानसभा सीट में नगर पंचायत दर्जा दिलाने पर भूमिका निभा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान मेरठ पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर विवादों का सुर बजाया। आजम देश के बड़े बादशाह व प्रदेश के छोटे बादशाह पर जमकर बरसे। मंच से निशाना साधते हुए देश में सेल्फी से हो रही मौतों पर देश के बादशाह को जिम्मेदार ठहराया। आजम ने कहा कि सेल्फी की वजह से देश में रोज 3,500 लोगों की मौतें होती हैं। आजम खान ने योगी के अयोध्या में दीपावली मनाने पर तंज कसते हुए कहा कि छोटे बादशाह ने जिस तरह से भव्य दिवाली मनाई है, उस तरह से ईद, क्रिसमस और अन्य धर्मों के त्यौहार भी योगी को मनाने चाहिए। संगीत सोम के बयान पर आजम खान ने पलटवार करते हुए कहा कि जो मीट का कारोबार करता है वो ताजमहल को गाली देता है। आजम खान ने कहा कि गुलामी की सारी निशानियां मिटा देनी चाहिए। ताजमहल को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि कैसे लोग हैं कि जो मोहब्बत की निशानी को मिटाना चाहते हैं। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार के अधिकारी जनता का खून चूसने में लगे हैं। पूर्व मंत्री ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व पीएम नरेंद्र मोदी पर भड़ास निकाली और कहा कि जनता से झूठ बोलकर वोट लिया और अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। ये 10 लोग हिल्लों कर रहे हैं, सारे खामोश बैठे तुम्हारी वजह से, इन 10 बदतमीजों की वजह से। जिन साहब ने ये लानत लगाई है वो हमारे मुल्क के बादशाह हैं। और ये प्रधानमंत्री भी कहते हैं सेल्फी लेने का मर्ज देश में उन्होंने शुरू किया और हम उन्हें इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उस गंदे काम से जो उन्होंने सिखाया है नौजवानों को, तकरीबन 3,500 लोग रोज मरते हैं सेल्फी की वजह से। कोई मोटरसाइकिल पर, कोई ट्रेन से सर निकाल कर, कोई कार से सर निकाल कर, और पिछले दिनों हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट साहब ने जब जहाज को उड़ाया तो अपनी सेल्फी ले रहे थे। ये हाल हो गया है मुल्क में बदनज़मी का। लेकिन अभी मैंने 15 दिनों पहले देखा कि उन्हीं की गवर्नमेंट के एक वजीर गडकरी साहब टीवी पर ये कहते हुए सुने गए कि सेल्फी से फोटो न लिया करें। मैंने उसी दिन कहा था कि बात अच्छी कही लेकिन कहने वाला आदमी सही नहीं है। अगर ये बात बादशाह ने बातें करते हैं, कहा था 20,00,000 रुपया हर किसी के खाते में पहुंच जाएगा, गरीब लोगों ने बैंकों में अपने खाते खुलवा लिए क्या 20,00,000 रुपया आएगा? अगर 4 लोग थे तो 80,00,000, 6 लोग थे तो 1,20,00,000। इस तरह गरीब परिवारों के लोगों ने यह समझा कि हम करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति सपना भी और ख्वाब भी बहुत महंगा देखता है। लोगों ने ख्वाब देखे और जब सुबह आंख खुली तो मालूम हुआ कि जानवर लेकर जा रहा था। लोगों ने जानवर की हिफाजत के लिए इंसान की जान ले ली। लोगों ने देखा कि ट्रेन में सफर करने वाले को उसकी शक्ल देखकर यह पूछा कि तू क्या खा रहा है, और जब उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसके पेट को चाकू से चीर कर ये देखा गया कि इसमें क्या खाना है। एक कमजोर औरत भीख मांग रही थी अल्लाह के नाम पर, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। बापू ने यह नहीं कहा था हमारे बुजुर्गों से कि एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जिसमें कमजोर लोगों को अल्लाह के नाम पर भीख भी नहीं मांगने दी जाएगी। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा नहीं करोगे, नज्म पैदा नहीं करोगे, सलीका पैदा नहीं करोगे
और सबसे बुनियादी चीज अगर तालीम हासिल नहीं करोगे तो याद रखना सिवाय अल्लाह और भगवान के नाम पर भीख मांगने के और कुछ नहीं। तो ये भी आपको बता दें, आने वाला कल इतना भयानक और खतरनाक है। हमने सफाई कर्मचारी रखे थे, याद होगा आपको, 1,00,000 का ऐलान किया था। पिछली समाजवादी सरकार में 60,000 लोग रखे और इस बार हमें 35,000 से 40,000 लोग रखना थे। आपको ये इत्तला देना चाहते हैं कि उन 40,000 लोगों में जो दरखास्तें लगी थी, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख ईसाइयों की, आला जात के लोगों की, उसमें एमए पास, एमएससी पास और यहां तक कि पीएचडी किए हुए लोग हजारों की तादाद में थे। नाला साफ करने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए, यही वजह थी कि जब चुनाव आया तो होने वाले बादशाह ने हिंदुस्तान के लोगों से जो बुनियादी वायदे किए उसमें यह वायदा भी किया कि वो हर नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लोग बहुत दुखी थे, भूखे